everyone. In this video, we are going to discuss multiple choice questions of chapter 13 trigonometry of R.S. Agarwal. और बच्चों ये क्लास 10th का टॉपिक है और NCERT में ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है और दिस इज द चैप्टर ऑफ टर्म 1. R.S. Agarwal में जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 19 तक क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे मैंने 20 से क्यों स्टार्ट किया है. क्वेश्चन 2 से लेकर 19 तक आपका जो एक्सरसाइज 8.3 है विच इज डिलीटेड फॉर 2021-22 ये सेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री वाला टॉपिक डिलीटेड है. तो ये सारे क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड हैं. दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके आने वाले टर्म वन एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में जो जो भी कॉन्सेप्ट आते चलेंगे वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते चलूंगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 2 sin 2 थीटा मतलब जो भी एंगल है उसका डबल किया हुआ है 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3. तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल पता करना है. तो एंगल पता करने के लिए हम सिर्फ थोड़े से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2. तो एंगल पता करने के लिए आप लोग देखिए कि जो क्वेश्चन है वहां पे लिखा है साइन ऑफ द एंगल साइन 2 थीटा. तो √3/2 जो ये वैल्यू है आप अपनी टेबल से मैच कर लीजिए कि साइन वाली लाइन में √3/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है. 0, 30, 45, 60 पे मैंने इतना एम्फेसाइज इसलिए किया है क्योंकि 0 का वैल्यू 0, 30 इज 1/2, 45 1/√2 और 60 का वैल्यू जो है वो हमारे काम की चीज है √3/2 और 90 का वैल्यू 1. तो आप लोगों ने ये वैल्यू देखना है क्योंकि क्वेश्चन में साइन लिखा है. तो साइन वाली लाइन में ये वैल्यू कौन से एंगल की है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये साइन 60 की वैल्यू है. साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 60. नाउ इट्स क्वाइट क्लियर दोनों तरफ साइन आ गया है. तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे काटेंगे नहीं, इसको काटना गलत हो जाएगा. आप इसको अवॉइड कर दीजिए, इग्नोर कर दो बस, है ना, काटना नहीं है, इग्नोर कर देना है. तो हमें क्या मिलता है फिर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. 2 थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल रही है. यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय 2 कर देंगे 30 डिग्री. तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो गया. बच्चों अगर क्वेश्चन में 10 थीटा लिखा है या cos थीटा लिखा है तो आप उसी लाइन में वैल्यू देखेंगे कि जो भी वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई होके आ रही है वो कौन से एंगल की वैल्यू है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है. 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. तो cos 3 थीटा जो होगा हमारे पास आ गया 1/2. अब 1/2 हमें cos वाली लाइन में चेक करना है, सेकेंड वाली लाइन में. ठीक है, तो फिर से हम 0, 30, 45 एक बार ये टेबल भी आपके रिकॉल हो जाएगी. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ऑल द वैल्यूज. तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की वैल्यू √3/2, दिस इज 45 सेम ही रहता है दोनों में, और 60 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे 90 हो जाता है 0. तो अब हमारे काम की चीज है ये cos वाली लाइन में 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू है. 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री आ जाती है हमारे काम की चीज. cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन है वही उसी की लाइन में हम वैल्यू देखते हैं कि 1/2 किसी एंगल की वैल्यू है या नहीं. तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जनरली आपको सीधी सीधी वैल्यू मिल जाएगी. तो 3 थीटा 60, कॉस को हमने अवॉइड कर दिया दोनों तरफ से, कॉस को छोड़ दिया यहाँ पे. थीटा हमारे पास आ जाएगा 60/2, 60/3 20 डिग्री. तो इस बार हमारा सी ऑप्शन सही हो जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका सेम टाइप का ही प्रैक्टिस है. √3 tan 2 थीटा -3 = 0. जब तक यहाँ पे जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है अगर उसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो क्वेश्चन आसान वाली कैटेगरी का है. आप इसको सेपरेट कर लीजिए. टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और ये √3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा है ये डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, ये तो कोई वैल्यू नहीं होती है, चलिए रेशनलाइज करना बनता है.
नीचे रूट थ्री है, नीचे रूट थ्री हम रखते नहीं है, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास हो गया थ्री रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कट हो गया, टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री। अब बच्चों ये टेन वाली मतलब इनिशियली आई विल से साइन कॉस टेन, ये तीनों आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए, साइन को साइन तो पक्का पक्का याद होना चाहिए, किसी ट्रिक शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत रहिए कि हमें टेबल बनानी आती है और हम ऐसे वन बाई टू थ्री बाई टू कुछ भी ऐसे लिखेंगे। याद रखिए इंडिविजुअल वैल्यूज एकदम याद रखिए, जैसे आपको टेबल्स याद हैं तो बीच में कहीं से कोई भी वैल्यू पूछे आपसे है ना, कॉस 30 पूछे आपसे तो बिना सोचे समझे आपको बिल्कुल इमिडिएट याद होना चाहिए रूट थ्री वैल्यू, तो उसके लिए आप पहले वाले लाइन तो बिल्कुल पक्का पक्का याद रखेंगे, जीरो से शुरू करना है, जीरो देन वन बाई टू, फिर रूट लगा देंगे वन बाई रूट टू, देन रूट थ्री बाई टू एंड देन वन, टेन के लिए उनको डिवाइड करके आ जाएगा, कॉस के लिए हम यहाँ लास्ट से उठाना शुरू करते हैं, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू एंड जीरो, टेन इनको डिवाइड करके आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, लेकिन टेबल बनानी आ गई, बट आई विल एडवाइज के आप इसे याद रखें क्योंकि आगे इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर आप टेबल बनाने के चक्कर में रहेंगे तो उतनी देर में तो गाड़ी छूट जाती है। ओके तो टेन के केस में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रूट थ्री और वन अपॉन रूट थ्री, दो ही तो वैल्यू है, रूट थ्री और वन अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वैल्यू ज्यादा है, बड़े एंगल की होगी, 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री होगी, 30 डिग्री छोटा एंगल है इसकी वैल्यू कम होगी, वन अपॉन रूट थ्री। सीधे सीधे आप टेन वाले केस में तो ऐसे याद रखें, टेन टू थीटा रूट थ्री वैल्यू हो जाएगी टेन 60 डिग्री की, फिर से टेन को अवॉइड कर देंगे, टू थीटा 60 आ गया हमारे पास, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉट एक्स। अब देखिए यहाँ पे दो टेक्नोमेट्रिक रेशियो हो गए तो ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो गया, अभी तक पिछले क्वेश्चंस में एक ही टेक्नोमेट्रिक रेशियो था साइन कॉस या टेन, अब दोनों आ गए टेन और कॉट, कोशिश कीजिए एक ही बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, कोशिश कर लेगी। अब टेन और कॉट तो हमें पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉट थीटा को हम कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट एक्स, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बच्चों ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, कौन किसका रेसिप्रोकल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, आई विल सजेस्ट कि इसको तो रट लेना है ना, एक दिन बैठ के रटिए कि टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, ये सब चीजें अगर आपको याद होंगी तो फिर ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री भी इजी ही चैप्टर लगेगा। ठीक है, अब दोनों में एक ही रेशियो आ गया, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको एक तरफ कर लीजिए, मतलब टेन ये वाले टेन को आप इसी टेन के पास ले जाओ, तो टेन एक्स का यहाँ टेन एक्स में मल्टीप्लाई होगा, टेन एक्स का स्क्वायर हो गया थ्री, हम तो एक टेन एक्स का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो टेन एक्स का वैल्यू आ जाएगा रूट थ्री, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है बट अभी नेगेटिव आपके सिलेबस में नहीं है, आप इलेवेंथ में पढ़ेंगे, तो अभी टेन एक्स रूट थ्री, टेन में रूट थ्री कहीं की वैल्यू है, रूट थ्री ज्यादा है तो बड़े एंगल की वैल्यू है, टेन 60 की वैल्यू है, तो यहाँ से सीधे सीधे हमें मिल गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, x tan 45 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 cot 60, देन x हमें फाइंड करना है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 45, 60, 60, 60 ये सारी वैल्यू हमें टेबल से मिल जाएगी, तो इन सबकी वैल्यू रख देंगे, x एज इट इज tan 45 दैट इज 1, cos 60 1 बाई 2, साइन 60 रूट थ्री बाई टू एंड कॉट 60, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में याद किया था कि टेन 60, टेन बड़े एंगल की वैल्यू रूट थ्री होगी, तो कॉट 60 वन अपॉन रूट थ्री, तो बिल्कुल रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, और एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में टू डिवाइड में ये भी कट के वन आ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है वन, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30, 45, 30, 60 क्वेश्चन में देखते ही आप वैल्यू रखना चालू कर दीजिए, टेन 45 1 और स्क्वायर है तो वैल्यू जो भी रखेंगे आप 10 45 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से समझेंगे, दिस इज 10 45
स्क्वायर, जो वैल्यू आएगी उस पूरे का स्क्वायर करना, माइनस कॉस 30, वैल्यू है √3/2। बच्चों एक एक करके वैल्यू याद रखना शुरू कर दो, एक दिन में एक वैल्यू याद रख लो, साइन 30 1/2 है ना, नेक्स्ट डे साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों सेम होती है 1/√2, तो एक दिन में एक वैल्यू याद रखेंगे, टेबल आपको बहुत आराम से फ्री में याद हो जाए। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 45, अभी हम बात कर रहे थे दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 1/√2, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे 3/4 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप 4 - 3 और ये 2 को भी मल्टीप्लाई में भेज दो, तो हमारे पास x अकेला रह गया 4 - 3 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, sec स्क्वायर 60° -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? sec हम सीख लेते हैं, किसका रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, है ना, रेसिप्रोकल टर्म्स याद होनी चाहिए बच्चों, sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, cos 60 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, cos 60 होता है 1/2, तो रेसिप्रोकल करेंगे वैल्यू हो गई 2/1 स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कीजिए आप 4 - 1 दैट इज 3। अभी तो ये इजी लेवल वाले भी क्वेश्चन चल रहे हैं, आंसर आ गया बी। लेट्स सी नेक्स्ट वन, cos 0 sin 30 sin 45 वैल्यू रखते चलेंगे, cos 0 1 sin 30 1/2 साइन 45 1/√2 देन साइन 90 1 कॉस 60 1/2 माइनस कॉस 45 1/√2। अभी हम देखें 1 + 1/2 एंड 1 + 1/2 दोनों में सेम है, बीच में एक प्लस और माइनस का साइन है, यहाँ पे 1 और 1/2 ऐड करेंगे ये आ जाता है 3/2 एंड प्लस 1/√2 3/2 माइनस 1/√2, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, 4 एलसीएम ले लेते हैं 9 - 2 7/4, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमें सही मिले। लेट्स सी क्वेश्चन 28, साइन स्क्वायर 30, बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, वैल्यूज रखिए और इसको सिंप्लीफाई करके, वी विल बी वेटिंग फॉर द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 3 कॉस स्क्वायर 60 कॉट स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45, तो आई होप ये भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, जस्ट राइट द वैल्यूज एंड स्क्वायरिंग आपको लिखना है, कॉस 60 का जो भी वैल्यू है दैट इज 1/2 और इसका स्क्वायर करना है, 2 cot 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 और स्क्वायरिंग लिखना है, -5 से मल्टीप्लाई sin 45 1/√2 और स्क्वायरिंग, सॉल्व आप लोग करके इसको ट्राई करें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वैल्यूज रखनी है, थोड़ा लेंथी लग रहा है तो आई एम डूइंग इट फॉर यू। cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू हमारे पास होता है √3/2, उसका हमें स्क्वायर लिखना है, cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर करना है, प्लस 4 sec स्क्वायर 60 वैल्यू इज 2/1। आप इनिशियली 3 लाइंस याद रखेंगे, वहां से भी आपको आइडिया हो सकता है कि cos और sec रेसिप्रोकल होते हैं और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 एंड स्क्वायरिंग, प्लस 1/2 cos 90 0 स्क्वायरिंग करना है, 2 tan 60 के वैल्यू हम अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में ही याद कर चुके हैं, 1060 एंगल बड़ा है तो वैल्यू बड़े वाली लिखते हैं √3 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 1/2 प्लस 4 × 4 जीरो को छोड़ देंगे -2 × 3 3/8 प्लस 16 -6 3/8 प्लस 10 10/1 लिख के एलसीएम ले लेते हैं 8 3 और यहाँ पे हो जाएगा 10 × 8 = 80 83/8 यस, तो डी ऑप्शन सही हुआ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।